do it manually. लगता है हम पहुंच चुके हैं भाई. और ये क्या हुआ? पहुंच गए हम लोग स्पेस में भाई, मजा आ गया यार. और ये ऑर्बिट और ओ नहीं, बचो बचो बचो, आराम से लैंड करो यार इस जगह पे. भाई सूट के अंदर लगता है कुछ तकनीकी खराबी आ गई, पर पकड़ लिया हमने हैंडल और अब हमें इसके अंदर जाना होगा. ये एक सैटेलाइट है जो कि शील्ड की हुआ करती थी. और ये किसी इनह्यूमन को यहाँ पे रख रखा है मुझे ऐसा लग रहा है. हाँ, किसी इनह्यूमन को यहाँ रख रखा है और उसके अंदर से उसका ब्लड निकाल निकाल के रीजनरेटिव फॉर्मूला बनाया जा रखा है. और ये कैप्टन अमेरिका है. होली क्रैप, ये क्या पता लगा हमें भाई, कैप्टन अमेरिका जिंदा है और उनका ही रीजनरेटिव फॉर्मूला बना रहे हैं. स्टीव, होली शिट, यू आर अलाइव. टोनी, व्हाट इज ऑल दिस स्टफ, वेयर एम आई? भाई बहुत अच्छा लग रहा है कैप्टन अमेरिका को देख के, बट ये किया क्या इसके साथ मोनिका ने यार? टोनी, आर यू हगिंग मी? आई एम गोइंग टू गिव यू द सेम ऑड्स दैट आई हैड. बहुत बढ़िया. तब मोनिका को भी वही रीजनरेटिव फॉर्मूला लगा दिया जो कि इसे लगा देती है और अब ये भी इनह्यूमन बन जाएगी. तो अब ये सुपर विलन मोडॉक बन चुका है. टालेटन का नया नाम है मोडॉक. और कह रहा है मैं दुनिया से सारे के सारे सुपर हीरोज को मार दूंगा, चाहे मुझे खुद को ही मारना पड़े. और ये क्या है भाई, थॉर आ गया यहाँ पे. Amazing Thor! Am I always going to save the day? I expect nothing less from the God of Thunder. Hi Thor. तो भाई अब थॉर इन्हें कैप्टन अमेरिका को और आयरन मैन को बचा के लेके चलेंगे. बहुत तो कैसी है मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करता हूँ सारे भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और भाई लोग बढ़िया ही रहना. स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का मार्वल एवेंजर्स के एपिसोड नंबर 24 में. लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ तक की पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ जाएगी. तो भाई लोग अभी मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था. आयरन मैन गए थे भाई पिम पार्टिकल्स को कलेक्ट करने के लिए एक एम के खुफिया अड्डे पे, और वहाँ पे जाके हमने पिम पार्टिकल्स को अपने कब्जे में कर लिया. तो पिम पार्टिकल्स डॉक्टर हैंक को जब हमने दिया तो उन्होंने कहा कि इसकी मदद से अब आप लोग स्पेस में जा सकते हो जहाँ पे कि लैब है और उस लैब के अंदर बहुत सारे इनह्यूमन्स हैं या और ना जाने क्या क्या चीज़ें जो टालेटन ने शील्ड के एक बेस पे जो कि स्पेस के अंदर है वहाँ पे बना रखा है. तो अभी हम चलते हैं, अभी हमें यहाँ से स्पेस सूट लेना है और स्पेस सूट लेके हम निकलते हैं. तो स्पेस सूट उधर ही कहीं है. तो गेम प्ले भाई लोग हो चुका है स्टार्ट, एंजॉय कीजिए. ये आ गए हम टेक लैब के अंदर. Every test I did before ended badly. But with this new miniaturized accelerator. All right. ये क्या एक खुफिया जगह है क्या अंदर जाने की? लग तो ऐसे ही रहा है. ओके, आयरन मैन का स्पेस सूट. That looks awesome. Because it is awesome. $1.4 billion vanity project. I may incinerate on takeoff, but I'll look damn good doing it. भाई बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, $1.4 billion का. इंडियन रुपीस में तो कन्वर्ट भी नहीं कर सकते अभी हम. तो अभी हमें ले जाना होगा स्पेस के अंदर. लेट्स गो. टोनी, आई लोडेड अप सम म्यूजिक टू गिव यू अ लिटिल बूस्ट. ओह नो. डोंट वरी, इट्स नॉट माइन. यू कैन डू दिस. थैंक्स किड. तो अभी कमाला ने थोड़े बहुत गाने डाल दिए सूट के अंदर. तो अभी हमारा सूट स्टार्ट होने वाला है और हम लोग जाएंगे सीधा स्पेस में.
और एक करंट का झटका। Dad, looks like that storm fried my systems. Kamala, Jarvis, you still there? Guys, my systems are starting to short out. Jarvis, Kamala. Jarvis, I'm on fire. A jet booster. Gotta do it manually. लगता है हम पहुंच चुके हैं भाई। और ये क्या हुआ? पहुंच गए हम लोग स्पेस में भाई, मजा आ गया यार। और ये ऑर्बिट और ओ नहीं, बचो बचो बचो, आराम से लैंड करो यार इस जगह पे। भाई सूट के अंदर लगता है कुछ तकनीकी खराबी आ गई, पर पकड़ लिया हमने हैंडल और अब हमें इसके अंदर जाना होगा। ये एक सैटेलाइट है जो कि शील्ड की हुआ करती थी। चलो अंदर चलते हैं। हालत बहुत खराब हो चुकी है, बट हम लोग सेफ एंड सिक्योर पहुंच गए हैं एक सैटेलाइट के ऊपर। बड़ा ही खतरनाक सफर था यार यहां तक आने का। 1.4 बिलियन डॉलर का सूट भी खराब हो गया। Damn it. Not much juice left in these repulsors. Hopefully this place isn't crawling with guards. तो ये कह रहा है कि हो सकता है यहाँ पे गार्ड हों। एम? Okay, let's see what we got. एम के लोग यहाँ पे आ गए। Wait a minute. This doesn't make sense. Regenerative formula. That'll explain Tarleton's giant head. That's its source. Probably some unfortunate inhuman. Okay, let's find that door. तो चलो अभी चलते हैं। और अभी यहाँ पे हमें एक रीजनरेटिव फॉर्मूला मिला है और वो रीजन, एक सेकंड, वो रीजन जो फॉर्मूला है ना भाई, वो जो हमारी वो है का नाम है फिलन का, मोनिका यार टार्लेटन को देती आई है वो, और वो किसी इनह्यूमन का ब्लड सैंपल था। तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। चलो चल के देखते हैं। Knock. Anyone home? देखते हैं यहाँ कोई मिलता है हमें कि नहीं। Covered in space dust, this place does not get a lot of foot traffic. यहाँ पे कुछ बॉक्सेस रखे हैं जिनमें से रिसोर्सेज काम के आएंगे। और सबसे अच्छी बात यार, हम स्पेस के अंदर हैं, सैटेलाइट के अंदर हैं हम। ऊपर से उड़ के जाना होगा। Just a little hack through this next door without waking anybody up. अब इस दरवाजे को खोलते हैं बिना किसी को परेशान किए उठाए हुए। लो आ गए भाई। That didn't wake up the robo guards. Not sure anything will. तो ये कह रहा है बस robo guard active ना हुए हों। I don't think so कि robo guard active हुए होंगे। Let's go and find out. रूम लॉक है ये वाला। ओके अब तो खुल गया दरवाजा। काफी बड़ी सैटेलाइट है यार। Crashing through their airlock didn't wake up the robot guard dogs. Maybe they're here to keep something in, not out. तो ये कह रही है, मतलब यहाँ पे आयरन मैन बता रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पे रोबोट्स हो ही ना, यहाँ पे सिर्फ रीजनरेटिव फॉर्मूला रख रखा हो। और चल के देखते हैं। Bingo. ये क्या है यार, आईसीआईसी कर रखा है यहाँ तो सारा। देखते हैं क्या है इस फॉर्मूले के अंदर। That's not ominous at all. ओ
और ये किसी इनह्यूमन को यहाँ पे रख रखा है मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, किसी इनह्यूमन को यहाँ रख रखा है और उसके अंदर से उसका ब्लड निकाल निकाल के रीजनरेटिव फॉर्मूला बनाया जा रखा है। और ये कैप्टन अमेरिका है। होली क्रैप, ये क्या पता लगा हमें भाई, कैप्टन अमेरिका जिंदा है और उनका ही रीजनरेटिव फॉर्मूला बना रहे हैं। स्टीव, होली शिट, यू आर अलाइव। टोनी, व्हाट इज ऑल दिस स्टफ, वेयर एम आई? भाई बहुत अच्छा लग रहा है कैप्टन अमेरिका को देख के, बट ये किया क्या इसके साथ मोनिका ने यार? टोनी, आर यू हगिंग मी? व्हाट? नो, आई जस्ट डिड वॉच योर फॉल। Then why aren't you letting go? I just... We thought... I mean, I thought that... It's good to have you back, Cap. I'm so confused. Yeah, come on. Gotta get you out of here. Come on. भाई साहब, अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी। Tarleton. Did he survive? Tarleton? Who cares? What? The explosion, he was too close. So, he survived. अभी भी मतलब मुझे लगता है कि ये मतलब अभी उस याददाश्त में है और चला भी नहीं जा रहा भाई, बहुत कमजोर हो चुका है कैप्टन अमेरिका यार। तो अभी भी 5 साल पहले की बातें कर रहा है। तो भाई चलो, अब कैप्टन अमेरिका आ चुके हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। And escape. You're winging this, aren't you? Yes, yes I am. Actually, didn't think I'd make it this far. Tony, where is everyone? तो अभी कैप्टन अमेरिका पूछ रहे हैं कि सब के सब लोग कहाँ हैं? Oh, well, we're. और हम स्पेस के अंदर हैं. Space. My God, you weren't kidding. Nope. Sure you can do this, Cap? I'm fine. Just out of practice. Wow. अभी कैप्टन अमेरिका कह रहे हैं मैं फाइन हूँ, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस से बाहर हूँ, तो इस वजह से थोड़ा ऐसे नहीं कर पाऊंगा जंप वंप इतनी ज्यादा। Ready to jump? और जंप तो What's happening? Well, it's a long story. How long was I? Well, 5 years. Which, by your standards, is just a power nap. Starting to think people just prefer me on ice. See? You're already making jokes. Corny ones, but that's normal. तो भाई अभी टोनी स्टार्क बता रहे हैं कि तुम पिछले 5 साल से बर्फ के अंदर सो रहे थे और तुम्हारे लिए तो ये बस एक छोटी सी नींद है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Don't leave us just yet. Monica, long time no see. Can't imagine your buddy Tarleton was too thrilled about using superhero blood to replace superheroes. He leaves the details to me. Stop what you're doing now. Wait a minute. Georgie doesn't know about any of this. And he never will. Self-destruct sequence initiated. By self-destruction कर दिया, पूरी की पूरी सैटेलाइट तबाह हो जाएगी अब। क्योंकि वो जो टार्लेटन है उसे नहीं पता कि मोनिका ने ये कांड करा था कि सुपर हीरो का ब्लड लगा के और उसके ऊपर इस्तेमाल कर रही थी। What the hell? Oh, don't mind the killer robot. तो भाई अब रोबोट्स आ चुके हैं यहाँ पे, इन रोबोट्स को मारना होगा हमें। For a dead guy, you're really pushing. भाई जैसे डेड थे वो 5 साल से मतलब सो रहे थे तो कोई ज्यादा वो नहीं हुआ। Why didn't you start with that? Oh ho ho, nahi. Nahi yaar, abhi 5 saal baad uthaya so ke ye le. Punch kaise lag rahe hain adaptoids? Aur abhi hame warning mil rahi hai ki hame yahan se bhagna hoga, nikalna hoga is jagah se. Captain America ko bhi aur Iron Man ko bhi, nahi to fir dono yahi mar jayenge. Bahut hi amazing kick maar ke sab kuch tod diya. तो अभी हम दोनों को मिलके खोलना होगा ये, और जल्दी अपनी ताकत से ही खुलेगा ये। खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया। लेकिन यहाँ से इन्हें कैसे लेके निकलेंगे यार कैप्टन अमेरिका को, ये सवाल है। तो अभी हमारे पास टाइम है ही नहीं लड़ाई करने का यार, भागो यहाँ से, बस निकलना है किसी तरह।
ये गलत हुआ यार। अब यहाँ से ना ऐसे ऐसे निकलना पड़ेगा भाग भाग के, क्योंकि भाई कैप्टन अमेरिका को स्पेस में एयर चाहिए होगी। आयरन मैन के पास तो है सूट, और सूट से उन्हें मिल जाएगी ऑक्सीजन। तो भाई रोजर्स को यहाँ से फटाफट निकालना होगा, क्योंकि ये जगह पूरी घूम रही है, और आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे जिनके पास कैप्टन अमेरिका के पास नहीं है स्पेस सूट, तो दिक्कत हो जाएगी भाई लोग। और इतने सारे रोबोट्स आ रहे हैं भाई। ये लो कैप्टन अमेरिका अपने पुरानी फॉर्म में आ चुके हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने 15-20 रोबोटों को मार दिया एक साथ, और ये निकल के बच चुके हैं मुझे लग रहा है। ओके, तो एक शटल के अंदर आ रहे हैं धरती पे। शटल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम बैठ के अर्थ पे आ सकते हैं स्पेस से। बहुत मुश्किल सफ़र हो रहा है, बट ये लोग यहाँ से निकल के आ जाएंगे लगता है। शिरा सब कुछ न्यूट्रलाइज हो चुका है अभी यहाँ पे। लेट्स सी, अभी चेक करना होगा भाई टोनी को सिस्टम की क्या हालत है, क्योंकि इन्हें अर्थ पे वापस जाना है। क्या क्या यंत्र लगा रखे हैं यार एम ने कैप्टन अमेरिका के ऊपर। गुड न्यूज इज वी आर नॉट गोना डाई इन अ फायरी बॉल ऑफ डेथ, एंड द बैड न्यूज वी विल मोस्ट लाइकली सफोकेट फर्स्ट। एट लीस्ट इट्स अ गुड व्यू। कितना प्यारा व्यू है भाई, सच में बहुत प्यारा है। So close. तो अभी मौत के बहुत करीब से आए हैं दोनों बचके, और कैप्टन अमेरिका जिंदा है। सबसे ज्यादा खुशी तो हमें इस बात की है यार। Since we're gonna die anyway, you have any, I don't know, last confessions? Your jokes. I just don't get them. I know I read your diary. Why'd you smash the reactor cap? A lot of people died. तो अभी ये बात कर रहे हैं भाई कि somehow linked to the reactor, working ये एक चीज के बारे में पता लगा रहे हैं कि तुमने उस रिएक्टर को क्यों तोड़ा था। I had to do something. The entire San Andreas fault was about to blow. The ocean would have consumed the city. Millions would have died. तो अभी इन्हें पता लगा है, कैप्टन अमेरिका ने बताया है कि भाई उस शिप के नीचे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट था जो उसे खींच रहा था, और बहुत सारे लोग मर जाते, पूरा शहर तबाह हो जाता, इसीलिए उसे रिएक्टर को तोड़ना पड़ा। और ये क्या है भाई, थोर आ गए यहाँ पे। अमेजिंग थोर। Am I always going to save the day? I expect nothing less from the God of Thunder. Hi Thor. तो भाई अब थोर इन्हें कैप्टन अमेरिका को और आयरन मैन को बचा के लेके चलेंगे। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। अब रपाचीनी की हालत होने वाली है ख़राब, क्योंकि टार्लटन को पता लग चुका है कि वहाँ रीजनरेटेड फॉर्मूला किसने बनाया और कैसे लगाया था। This was your regenerative formula. George? How long have I been your lab rat? I knew you'd react like this. अब वाट लगेगी मोनिका की। You'd rather die than need something from them. I trusted you. You saved your life. You can control machines with your mind. Just think of all the... You infected me with his blood. It could have killed me. But it didn't. Remember the dream, George. How could you make me one of them? I made you strong. You stole my hope. And now, I am going to give you the same odds that I had. बहुत बढ़िया। तब मोनिका को भी वही रीजनरेटिव फॉर्मूला लगा दिया जो कि इसे लगा देती है, और अब ये भी इनह्यूमन बन जाएगी। तो अब ये सुपर विलन मोडॉक बन चुका है। टार्लटन का नया नाम है मोडॉक, और कह रहा है मैं दुनिया से सारे के सारे सुपर हीरोज को मार दूंगा, चाहे मुझे खुद को ही मारना पड़े। भाई साहब सबसे अच्छी बात तो भाई कैप्टन अमेरिका की एंट्री है, वापिस आ गए, क्लैप कर दो सारे।
टीम से मिलने का वक्त हो चुका। Steve. Nat. God, it's good to see you. Listen, if I had known you were alive, that they had you. This isn't on you. Tarleton didn't even know Monica had me. तो एक बात साबित है, सब कुछ मोनिका ने हायर किया था, टाकमा सब कुछ उसी ने किया, सब कुछ की जड़ मोनिका है। His men triggered the security protocols, initiating the Chimera's autopilot. But that thing in the bay, that was unexpected. The heat signal. It must have been what caused the earthquake that took down the city. What was that? I don't know. Nat, I just keep thinking. If I hadn't, all those people. No. This is not your fault. That ship was never supposed to be in the air. I would have done the same thing. You're alive. I knew it. कमाला खान को बहुत खुशी हो रही है भाई कैप्टन अमेरिका को देख के। Come on. You should really see this. थॉर अपने एसगार्ड के सूट में आ चुके हैं भाई, इतने प्यारे लग रहे हैं थॉर यार, अमेजिंग। Welcome back, Captain Rogers. I know I speak for everyone when I say that you are a sight for sore eyes. Thanks, Jarvis. It's good to be back. Since the Chimera's near crash into Manhattan, the situation has become dire. I fear AIM will use this as an opportunity to ramp up their persecution of all the Inhumans. We can't let that happen. The world needs the Avengers now more than ever. तो भाई अब बहुत अच्छा लग रहा है यार, कैप्टन अमेरिका वापस आ चुके हैं सच में यार गाइस, और इस वाली वीडियो को अभी हमें करना होगा कंप्लीट स्टार्क टेक आउटफिट्स। आई हैव कंप्लीटेड माय एनालिसिस ऑफ मिस्टर स्टार्क्स प्लान्स टू इक्विप द एवेंजर्स फॉर दिस एंटीसिपेटेड कन्फ्रंटेशन। आई विल नीड सम स्पेशल मटेरियल्स टू कंप्लीट देम। थैंक्स जार्विस। टाइम फॉर अस टू गेट बैक इन फाइटिंग फॉर। लेट्स सी व्हाट वी नीड। तो भाई अभी मुझे लगता है हमें ना कुछ सामान चाहिए। Commander Hill and Dr. Pym are both reporting serious difficulty in coordinating our efforts due to AIM's draconian control over world communication networks. How can we help? They have requested we destroy AIM's main communication hub to help unite the resistance efforts. Let's oblige them, old friend. Looking good, Captain. Speaking of the media, reports of our own Thor Odinson working with ex-AIM scientists in a remote part of Scandinavia have started cropping up on the news. This may be part of AIM's propaganda campaign against the Avengers, but it bears investigation. Agreed. Let's get Thor on this ASAP. तो हीरो रोस्टर से हम थॉर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और थॉर के भी बहुत सारे मिशंस हैं, और सबके अलग अलग, जितने भी सुपर हीरोज हैं सबके अपने अलग अलग मिशंस हैं। अभी है कैप्टन अमेरिका को क्या करना होगा गाइज, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन्हें एक स्टार टेक का आउटफिट पहनना होगा, और उसके लिए कुछ मटेरियल चाहिए। हमारे पास मशीन है बनाने की, पर कुछ मटेरियल चाहिए, और वो मिलेगा हमें वॉर टेबल के अंदर मिशन करने के बाद। तो वो मिशन करेंगे हम अपने नए एपिसोड में, यानी कि लेटेस्ट एपिसोड में। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई, और हाँ, जो हमारे कैप्टन अमेरिका की एंट्री अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं हम आप लोगों से जल्दी ही अपनी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइज।